गाइस आप शादी करके उसके मजे लेने के साथ साथ बड़ा टैक्स भी बचा सकते हैं, कैसे चलिए जानते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि अगर आपके माता पिता और भाई बहन के अलावा अगर आपको कोई 50,000 से ऊपर का गिफ्ट देता है तो आपको उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर वही गिफ्ट आपको शादी में मिला हो तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकम टैक्स के सेक्शन 56 के तहत आपकी शादी में मिले किसी भी गिफ्ट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, भले ही वो कोई लग्जरी कार हो, गहने हो या बंगलो तक हो। इसलिए तो आप सुनते हैं कि सलमान खान ने कटरीना की शादी में 3 करोड़ की कार गिफ्ट की, आलिया की शादी में 2.5 करोड़ की घड़ी गिफ्ट करी गई। लेकिन ध्यान रहे, यही ऑफर आपको सिर्फ आपकी पहली शादी पर ही मिलेगा। गाइस बाय द वे, आप शादी कब कर रहे हैं या फिर शादी कर चुके हैं तो आपको सबसे बड़ा गिफ्ट क्या मिला था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपने कल राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच का मैच देखा? कमाल का मैच था ना, लेकिन उससे मुझे दो चीजें समझ में आ गई। पहला तो आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले 150 से कम रन के टारगेट भी डिफेंड हो रहे थे, लेकिन कुछ दो दिनों से ऐसा लग रहा है कि 200 के ऊपर के टारगेट भी सिक्योर नहीं है। और हैदराबाद और राजस्थान रॉयल के मैच में भी ऐसा ही हुआ। राजस्थान रॉयल ने 214 रन बनाए, लेकिन बावजूद इसके कि सनराइजर्स हैदराबाद 10वें नंबर की टीम है, हैदराबाद ने राजस्थान को हरा दिया। और दूसरा ये सीखने को मिला कि कभी भी अर्ली सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। लास्ट की एक बॉल में 5 रन चाहिए थे हैदराबाद को जीतने के लिए। संदीप ने लास्ट की बॉल फेंकी और अब्दुल सनद ने उसको जैसी शॉट मारा वो कैच आउट हो गए। राजस्थान को लगा कि वो जीत गए, लेकिन पता लगा कि वो नो बॉल थी। दिल से बुरा लगता है भाई। और आखिरी बॉल पे अब्दुल समद ने संदीप को छक्का मार के हैदराबाद को जीत दिला दी, और इसे कहते हैं किस्मत का पलटवार। गाइस आपको ये मैच देख के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम इंसान और हमारी लालच जैसे जैसे पृथ्वी और पर्यावरण की वाट लगा रही है ना, उससे तो यही लगता है कि पृथ्वी का विनाश जल्दी हो जाएगा, तो फिर इंसान रहेगा कहाँ? चिंता मत करिए, वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह ढूंढ लिया है जो कि पृथ्वी के जैसा ही है, और ये ग्रह पृथ्वी से 500 लाइट ईयर दूर केपलर 186f है, जो इंसानों का फ्यूचर होम भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पानी, पेड़ पौधे सब मौजूद है। अरे देवा, यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इस ग्रह में पेड़ पौधों की पत्तियां लाल रंग की होती है। दरअसल इस ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में 2000 डिग्री सेल्सियस से कम लाइट आती है, जो पृथ्वी में रहने वाले जीव के लिए बेहतर मानी गई है। लेकिन कम लाइट मिलने की वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस में ज्यादा ब्लू लाइट ऑब्जर्व करते हैं, और पौधों का रंग इसी वजह से लाल हो जाता है। लेकिन अगर आप अभी इस ग्रह में जाना चाहते हैं तो आपको 90 लाख साल पहुँचने में लग जाएंगे। अरे बाप रे। खैर इसका भी तोड़ वैज्ञानिक निकाल ही लेंगे, पर आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।